हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं माला यादव स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। दोस्तों, आज हम घर पर ही एक बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम घर के बची हुई रोटी से एक वेजिटेबल हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लगेगा। इसके लिए मैंने ये जो मेरे घर में रोटी बची हुई थी वो ले लिया है मैंने। अगर रोटी बच जाए तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करके बच्चों के मनचाही पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं। इसमें जो चीज़ें यूज होंगी वो इस प्रकार हैं। ये है ग्रेटेड चीज़ है, जो पैकेट में इसी तरह से ग्रेट करी हुई दुकानों पर मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं इसको। और नहीं तो मोजरेला चीज़ होती है, उसे भी आप घिस के और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कप है। ये शिमला मिर्च है हरी वाली 1/4 कप। ये पीली वाली 1/4 कप। ये प्याज है छोटा कटा हुआ, ये भी 1/4 कप। ये कॉर्न है दोस्तों 1 बड़ा चम्मच है। और ये पनीर है, ये भी 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं। और ये पिज़्ज़ा सॉस है जो रेडीमेड है, आप नॉर्मल सॉस भी यूज कर सकते हैं अगर नहीं है तो, और सब्जियां जो हो वो यूज कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है दोस्तों, ये 1 चम्मच है जो पिज़्ज़ा में यूज होती है। ये फ्लेक्स, सॉरी रेड चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच है, वो भी यूज होगी हमारे पिज़्ज़ा में। चलिए इनसे मिलाकर हम बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा तैयार करने वाले हैं, जो आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने रोटी ले ली है और ये जो पिज़्ज़ा सॉस है इसको हम इस पर पूरे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरी तरह से। दोस्तों, ये झटपट और हेल्दी पिज़्ज़ा बनेगा। आप बच्चों के इस जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं इसे तो खाने के लिए एकदम फट से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस है उसको अच्छे से पूरी रोटी पर अप्लाई कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें मैं जो सब्जियां मैंने काटी हुई है ना वो डालेंगे। ये प्याज मेरा कटा हुआ है वो अच्छे से इसमें पूरी चारों तरफ फैलाते हुए डाल देना है। जो बच्चे अगर वेजिटेबल ना खाते हो ना, आप इस तरह से उन्हें बना के खिला सकते हैं। घर पे एक हेल्दी पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। ये जो मैंने पीली शिमला ली थी वो मैं इसमें डाल लूँगी। जो सब्जियाँ आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियाँ आपकी चॉइस है। ये हरी शिमला भी मैं इसमें डाल लूँगी। देखिए दोस्तों, कितना अभी से टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है लुक। देखिए, बच्चे आपसे रोज़ मांग के बनवा कर खाएंगे, और साथ में रोटी का भी सही इस्तेमाल हो रहा है और बाहर से बाज़ार से भी नहीं लाना पड़ रहा। ये हमने पूरी तरह से चारों तरफ फैला लिया, छोटा छोटा शिमला काटा हुआ है। ये कॉर्न है, ये भी मैंने इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करते हुए चारों तरफ फैला लिया है। आपने देखा होगा बाज़ार का जो पिज़्ज़ा होता है उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पर वो मैदे से बनता है। ये हमारी घर की रोटी है, तो आप कभी भी तैयार करके बच्चे को दे सकते हैं। और साथ में हम अपने घर के पैन में ही बनाएंगे। ये मैंने पनीर जो लिया था उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया, ये भी मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। तो अभी तक मैंने इसमें प्याज, शिमला और ये जो पनीर है वो डाला है, और कॉर्न डाला है। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम डिलीशियस, मुँह में पानी आ जाए। ये काली मिर्च है और नमक है 2 चुटकी है, उसको स्प्रेड अच्छे से फैला लेंगे, एक अलग सा फ्लेवर आता है। काली मिर्च तो आपको पता ही है, इन चीज़ों में बहुत इस्तेमाल होती है। ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है दोस्तों, ये देखिए, इसको भी थोड़ा डाल लेंगे, थोड़ा बाद में रेडी होने पे डालेंगे। ये भी मैंने स्प्रेड कर लिया ऊपर से, इसको भी अच्छे से ऊपर से स्प्रेड कर लिया, बड़ी अच्छी इससे फ्लेवर आता है। ये चिली फ्लेक्स, इसको भी ऊपर से डाल लेंगे। और ये जो चीज़ है ग्रेटेड चीज़ है वो मैंने लिया हुआ है, इसको भी चारों तरफ से फैलाते हुए इस तरह से ढक लेंगे, इसको कवर हो जाएंगी सारी सब्जियाँ। ये उधर मैंने गैस ऑन कर ली है, और मैंने जो फ्राइंग पैन है जिसमें बनाना है, जो तवा है वो मैंने रख लिया है, एकदम लो गैस है मेरी, तब तक वो थोड़ा सा प्रीहीट हो जाएगा। घर पर ही हम बना रहे हैं। ये देखिए, वो मैंने सारा चीज़ उस पर फैला लिया, अच्छे से लोडेड हो गई सब्जी के साथ पिज़्ज़ा। चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया पैन में, ये देखिए, क्योंकि हमारा ये गर्म हो चुका था और एकदम लो पे मेरी फ्लेम है, धीरे की हुई है बिल्कुल, और बटर लगाएंगे जिससे नीचे से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा पिज़्ज़ा। ये चलिए, एक ऐसे उतारना है, और ये हल्का सा फैल गया है तो इसको हमने समेट लिया इसके ऊपर। अब इसको हम कवर कर देंगे जिससे कि वेजिटेबल्स के साथ जो चीज़ है वो भी अच्छे से इसके अंदर डिजॉल्व हो जाए और बन जाए, पक जाए। इसके लिए 6 मिनट हो गए हैं लगभग, और बिल्कुल स्लो पे है ये,
और इसको उठा के देखिए, देखिए हो गया है, अभी थोड़ा सा और कवर किया है तो मैंने 2 मिनट और बनाया था, उसके बाद चलिए रेडी हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे, बिल्कुल रेडी टू ईट है। ये देखिए इसको मैंने प्लेट पे निकाल लिया, देखिए लग नहीं रहा ना जैसे बासनी लाए हैं, बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे देख के। तो चलिए थोड़ा सा इस पर चिली फ्लेक्स वापस ऊपर से स्प्रेड कर लेते हैं, बुरक लेते हैं, स्प्रिंकल कर लेते हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और झटपट तैयार होने वाला पिज्ज़ा है दोस्तों, आप कभी भी बच्चों को इसको बना के दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं, काट लेते हैं, आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं, ये मेरे पास कटर रखा हुआ था तो मैं इसे काट रही हूँ, जिससे भी साइज में आप काटना चाहें इसको काट सकते हैं। और दोस्तों ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये देखिए लग रहा है ना कितना यमी पिज्ज़ा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के अपने फ्रेंडों में जरूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों। और हाँ, इसी तरह की हेल्दी और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आपके नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय वॉचिंग फॉर माय वीडियो।